तो हम परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की स्मृति करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पारस जी ने ये दो पुस्तकें उपरित की, मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा हिंदी भाषा में, और इसी का फिर गुजराती संस्करण मुद्रा विज्ञान अने रंग चिकित्सा। पारस जी वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मानो कि बॉम्बे में अलख जगा रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी मिली कि ऐसे प्रशिक्षक हैं, ऐसा सेंटर चलाते हैं कि स्थूल भाषा में आंधी हो या वर्षा कुछ भी हो, लगभग जहां तक मेरा अनुमान है इनका सेंटर चलता रहता है। इनके परिवार के लोग भी साथ में सहयोगी बने हुए हैं, ये भी काम करती है, तो उपासक भी हैं, प्रेक्षा प्रशिक्षक प्रेक्षा ध्यान में भी काम। प्रेक्षा ध्यान में आता है न प्रियता न अप्रियता, समता भाव। पारस जी बैठे हैं, प्रेक्षा ध्यान का कितना काम, कितना प्रयोग करने वाले, तो प्रेक्षा ध्यान में अपनी समता की प्रेक्षा, बस न प्रियता और न अप्रियता। कांदीवली बॉम्बे उधर वर्षों से लगे हुए हैं प्रेक्षा, अब तक का 25वां वर्ष की बात हो रही है। तो प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो फरमाते, कितने शिविर आज भी अभी वर्तमान में भी शिविर लगते हैं प्रेक्षा ध्यान के, तो प्रेक्षा ध्यान से भी कितने लोग जुड़े हुए भी हैं, कितने प्रयोग कराने वाले व्यक्ति हमारे साधियाँ साधु समणियाँ हैं, अपने ढंग से जो कुछ कराने वाले हैं, अथवा खुद को भी करना चाहिए अपने जप ध्यान। तो यह ध्यान है वो अध्यात्म, यानी अध्यात्म में समता नहीं आया तो कितना क्या, अध्यात्म में समता आनी चाहिए। पारसमल जी दुगड़ उपासक प्रेक्षा प्रशिक्षक संस्कारक, वे अपने प्रेक्षा योग रश्मिया पुस्तक को जो संकलन एवं प्रस्तुति बस भेंट कर सकते हैं। हाँ, ये प्रेक्षा योग रश्मिया ये जो है ये अच्छा है, प्रेक्षा ध्यान का गुरु चरणों में समर्पित कर, हाँ खूब अच्छा विकास होता रहे, खूब सेवा देते रहे, आध्यात्मिक सेवा। पारस जी का खूब अच्छी सेवा देते रहे। आज नवसारी आए हैं परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ, पहले अब फिर आना हुआ है नवसारी में भी। यह 13 पंथ भवन है, 13 पंथ भवन, यहाँ भी धार्मिक गतिविधियां अच्छी चलती रहे, ज्ञानशाला है और सामायिक है, स्वाध्याय है, हो सके तो प्रेक्षा ध्यान है। पारस जी जैसे आदमी बॉम्बे से, प्रेक्षा ध्यान के सेंटर और की बात है, तो जितना हो प्रेक्षा ध्यान का भी क्रम चलता रहे है। फिर ये जो जगह जगह हमारे केंद्र प्रेक्षा ध्यान के केंद्र चलते हैं रोज पौन घंटा घंटा बॉम्बे में, पारस जी दुगड़ जैसे हैं, अब कितने यो जगह केंद्र होंगे कि प्राय रोज कक्षा लगना बहुत ही बढ़िया बात है कि प्राय रोज कहते हैं कि वर्ष में लगभग रोज ही कक्षा लगना, तो कितनों को एक लाभ मिल सकता है। तो ऐसे और भी जगह केंद्र
या मुंबई तो हम आए भी हैं, पारस जी को थोड़ा हम जानते भी हैं, संपर्क भी है, और भी जगह जगह चाहे कम मात्रा में एक अधिक मात्रा में एक आजकल ये टेक्नोलॉजी का ऐसा माध्यम है, अपने आराम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ध्यान का प्रयोग कर लो। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रसार हुआ है, काफी हुआ है। च इत्ता भार हम वासम चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लो ए पत्तो गई मनुत्तरम। मानव जन्म मिलना अपने आप में एक विशेष बात बताई जाती है, क्योंकि यह दुर्लभ जन्म होता है। मानव जन्म प्राप्त कर हमें इस जीवन का बढ़िया उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह दुर्लभ बताया गया है और अभी हमको यह उपलब्ध है। इस मानव जीवन में संयम की साधना अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, और फिर साथ में सेवा की बात, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा का अपना महत्व होता है। तो जीवन में संयम है और सेवा भावना, अहिंसा भावना, मैत्री भावना है, तो यह जीवन कुछ अंशों में या बहुलांश में या पूर्णांश में सार्थक सिद्ध हो सकता है। अभी यह जो सम्मान का उपक्रम संपन्न हुआ है या हो रहा है, और तो आज जो यह सम्मान इधर श्री पारस जी दुगड़ को दिया गया है, इधर श्री पारस जी दुगड़ जो प्रेक्षा ध्यान और ये अनेक प्रकार के मुद्राओं के प्रयोग बताया करते हैं, तो इससे भी चिकित्सा का काम भी हो सकता है। एक वो साध्वी जी का संवाद आया कि मुझे बॉम्बे बुला लें, कि मुझे पारस जी दुगड़ से इलाज कराना है, वो मेरा दर्द ठीक कर दें। तो ऐसा तो यानी वो ये जो प्रयोग हैं, ये भले वैकल्पिक चिकित्सा कह दें, अल्टरनेट, ये योग ध्यान मुद्रा एक्यूप्रेशर आदि आदि है, तो यह भी चिकित्सा का है। प्रेक्षा ध्यान वैसे जैसा का कसाई मुक्ति आत्मशुद्धि, वो तो मूल चीज़ है ही प्रेक्षा ध्यान की। तो अनेक रूपों में इधर ये प्रेक्षा ध्यान केंद्र चलाने में बॉम्बे में कांदीवली इधर, तो यह सारा जो अध्यात्म का और का प्रचार का यह सेवा के जो कार्य हैं, तो अपने ढंग से जितना दूसरों का हित कल्याण हो सके, खुद की साधना भी आगे बढ़े। तो श्री पारस जी दुगड़ खूब संयम की, स्वयं की साधना भी, स्वयं का धर्म दान भी, सामायिक आदि वो भी करते हुए दूसरों की जितनी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा कर सके वो करते रहें। देव की अमृत देशना हुई और पूज्य प्रवर ने पारसमल जी दुगड़ का नामो लेकर के ये एक्यूप्रेशर के बारे में फरमाया। एक्यूप्रेशर शरीर के किसी अंग में किया जाता है, और ठीक कोई अंग होता है। यह कैसे होता है? जैसे परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन तो कामुठे में हो रहा है और सुनाई सब जगह दे रहा है। ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा चलती है। एक्यूप्रेशर एक जगह है, प्रेशर दिया जाता है, उसका प्रभाव कहाँ हो जाता है, दबाता कहीं पर है, प्रभाव किस अंग पर उसका हो सकता है। हमारे दुगड़ जी पारस जी बैठे हैं, प्रेक्षा ध्यान और ऐसी मुद्रा आदि आदि की बातें, एक्यूप्रेशर में दबाव तो कहीं, उसका प्रभाव शरीर के किस अवयव पर पड़ सकता है।